पर टुडे मैं मौजूद हूं इस समय रीवा के एफसीआई में। एफसीआई आज मेरी भी इच्छा थी मैं कहीं साउथ चलूं घूमने, और मैंने सोचा केरला ही क्यों ना चला जाए। एफसीआई और केरला, जी हाँ, एफसीआई खाने के लिए फेमस है। यहाँ की डिशें, कई डिशों को मैं आप तक पहुंचा चुका हूं। आज मैं आपको साउथ की एक सबसे फेवरेट डिश बनाना भी सिखाऊंगा और बताऊंगा किस तरीके से वहां पर प्रेजेंट भी की जाती है। हमारे साथ यहां पर प्रियंका जी मौजूद है। पहले तो आप अपने बारे में बताइए, आप रीवा में एफसीआई से कैसे? नमस्कार, मेरा नाम प्रियंका जैन है। मैं एक्चुअली फिरोजाबाद से हूँ। मोल्डे सर मेरे बहुत खास हैं, इसलिए मैं यहाँ पे हूँ। मैं यहाँ पढ़ाने के लिए आई हूँ एज ए फैकल्टी असिस्टेंट लेक्चरर फूड प्रोडक्शन में। तो आज हमारा साउथ इंडियन थीम है, जिसमें मेरे बच्चे और मेरे लैब अटेंडेंट जसवाल जी मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ पर डिस्प्ले के लिए। डिस्प्ले के लिए यहाँ पर मौजूद हैं, प्रियंका जी की पूरी टीम मौजूद है। तो सबसे पहले अपन आते हैं एक टेबल पर, आपके पास आते हैं। प्रियंका जी जरा ये समझाइए, जिस तरीके से यहाँ पर आपने ये सांभर, ये डोसा भी बन रहा है लाइव, डोसा बन रहा है, ये कर्ड राइस और ये कोकोनट चटनी। अच्छा, अब ये बताइए, ये आपने तीन डिशे रखी और ये ग्रीन सब कुछ है, ये केरला को किस तरीके से अपन जोड़ रहे हैं? एक्चुअली क्या है, जो हमारा जो मेन जैसे थाली होती है, नॉर्मल राजस्थान में थाली बोलते हैं, ऐसे ही केरला में जब हम डोसा है साउथ इंडियन की बात करते हैं तो वो केले के पत्तल पे सर्व करते हैं। तो केले का पत्तल एक रिप्रेजेंट डिस्प्ले किया गया है, जिसपे मैंने सब सामान रखा हुआ है, रिप्रेजेंट कर रहा है कि हाँ साउथ इंडियन थीम है। जिस तरीके से लोग डायरेक्टली इस पे खाते हैं पत्तल पे, ये केले का पत्तल। ये बताइए जैसे ये और ये, इसको जैसे यहाँ पर तो सांभर चटनी बोलते हैं, तो केरला में सापड़ बोलते हैं, इसे कर्ड राइस बोला जाता है। हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में कर्ड राइस बोलते हैं, वैसे एक मेन्यू जो होता है साउथ इंडियन का वहाँ पे सापड़ बोलते हैं, और रुतवा करके एक तरीके का कर्ड राइस है, इस तरीके का डेनोट करता है। और ये है नॉर्मली कोकोनट चटनी, बुरादा चटनी भी बोल सकते हैं इसको। चटनी बोलते हैं यहाँ पर, सांभर बोलते हैं, और जो भी बोलते हैं इसके बारे में तो प्रियंका मैडम ने बेहतर तरीके से बता दिया। तो आपके इंतजार की घड़ियों को मैं खत्म करता हूँ और इस तरफ आता हूँ। अभी रुकिएगा प्रियंका जी, जरा ऐसे आइए आप किचन पे, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज आपकी, ये बताइए जब ये डोसा बनाया जाता है इसमें रॉ मटेरियल क्या क्या होता है? रॉ मटेरियल एक दो इंग्रेडिएंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे हमें दो तीन दिन पहले पुराना बैटर चाहिए होता है इसके लिए, ताकि खमीर उगे। खमीर उगने से क्या होता है, डोसा का जो बैटर है वो अच्छे से उत्पन्न होता है, मतलब एक तरीके से क्रिस्पीनेस और उसका मोटापा जो बोलते हैं उसको फर्मनेस, वो फर्मेंटेशन होता है। उसके लिए हमें व्हाइट उड़द दाल चाहिए रहती है और चावल चाहिए रहता है, जिसको हम भिगोते हैं एक दो रात पहले। रेशियो क्या होता है चावल और उड़द दाल का? 50-50 नहीं होता है, 50-20% होता है, 50% राइस 20% से दाल। फिर उसको हम दोनों को ब्लेंड करते हैं टुगेदर, एंड देन मिक्स, दोनों को एक साथ रख के एक दो रात पहले ही उसको खमीर उठाते हैं। और फर्मेंटेशन के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि हम लोग को उसको वार्म प्लेस पर रखना पड़ता है। अभी सर्दी का माहौल चल रहा है, तो सर्दी का माहौल में खमीर थोड़ी देर में उठता है। मैं बीच में आपको रोकूंगा, जैसा कि आपने कहा खमीर उठाते हैं जी, तो खमीर उठाने के लिए क्या उसमें कुछ डाला जाता है या अपने आप उगाता है? अगर आपको इंस्टेंट चाहिए रहता है तो हम इनो डाल सकते हैं, अगर इंस्टेंट नहीं बना रहे तो आप थोड़ा दही का भी इस्तेमाल कर सकते हो और मेथी दाना भी यूज कर सकते हो, ताकि उसको उगाने के लिए हेल्प करता है। इसको कहते हैं एक्सपर्ट। जैसा कि अभी आपको यह मालूम था कि दही या मीठा सोडा, इनो, लेकिन एक नई चीज आपको पता चली होगी, इसको जरूर नोट करिएगा, वो है मेथी दाना। खमीर उठाने के लिए मेथी दाने का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, ऐसा कुछ कहना था शेफ प्रियंका जी का। ये बताइए आपका क्या नाम है और आप क्या बना रहे हो? मेरा नाम सागर जायसवाल है, मैं यहाँ का किचन लैब अटेंडेंट हूँ, और मैं आज डोसा बनाना आपको बताऊंगा। हालांकि ये सभी बच्चे बनाते हैं, बट आप हमको बोल रहे हैं इसलिए मैं बना। बनाइए, चलिए डोसा बनाइए, देखें जरा हम लोग डोसा कैसे बनाते हैं। ट्राई कर पहले था, उसके बाद ट्राई कर हमारा साथ कर खाने के लिए।
डोसा अच्छे से पक गया है, इसलिए चारों तरफ से छोड़ रहा है। थोड़ी देर इसे हम और क्रिस्प करेंगे, इसके बाद कॉल करेंगे। प्रियंका जी, जैसा कि इसमें डोसा बनाते वक्त तो बैटर तो बनाने का आपने तरीका बता दिया, इसमें आलू के जो मसाले डाले और एक चीज और ऊपर से इनमें तेल भी डाल, ये दोनों चीजें जरा बताइए। तो थाली पूरी तरीके से सज चुकी है, बस इंतजार है यहां पर प्रियंका जी को और सागर जी को फेल और पास करने की। हमारे साथ मौजूद है इस एफसीआई के मार्गदर्शक कहा जाए, प्राचार्य कहा जाए मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं जब आता हूं इन्हीं के सौजन्य से एक डिश आप तक पहुंचती है। मुझे जी, आज आपने एक साउथ इंडियन डिश यहां पर बनाई। नमस्कार सभी युवा को, उल्टा इंस्टीट्यूट यह कोशिश करता है कि अपने करिकुलम के साथ कुछ स्थानीय व्यंजनों को आगे बढ़ाए और इनके जो सिलेबस है, इनका करिकुलम है, वो सारा रीजनल कुकरी, आज का जो इनका प्रैक्टिकल था वो साउथ इंडियन था। तो साउथ इंडियन के जितने व्यंजन हैं वो सारी फेमस व्यंजन आज हमारे घर में बने हैं। हम बड़े खुशनसीब हैं कि नहीं, खुश नसीब तो हम लोग हैं जो इसको खाएंगे। इसमें निश्चित रूप से आपका शेयर नहीं होगा, लेकिन एक अच्छी बात यहाँ पर यह भी दिख रही है, यहाँ बच्चे हैं। बच्चे, सब तो पहले बेटा आप लोग अपना नाम बताओ। आपका? माय नेम इज सुमन पाटिल। जैसा कि आप अपने टीवी स्क्रीन पर इस समय देख पा रहे हैं, बच्चे यहाँ पर डोसा बना रहे हैं। बच्चे डोसा बना रहे हैं और इनका डोसा शायद मैं कहूं ईमानदारी से अगर कहूं तो सैफ सागर से ज्यादा बेहतर बन रहा है। मैं आपको आपके टीवी स्क्रीन पर ये डोसा दिखाना चाहूंगा, जिस तरीके से बच्चे यहां पर डोसा बना रहे हैं। इस डोसे को बनते हुए आप पहले टीवी स्क्रीन पर देखिए, उसके बाद हम लोग खाने की कोशिश करेंगे और फिर ये तय होगा कि यह डिश साउथ इंडिया से बेहतर है या नहीं है। जैसा कि मैंने आज आपको डोसा बनाना है, यहाँ पर प्रियंका जी ने डोसा बनवाया, बेहतर तरीके से प्लेट में डोसा दिखा, साथ में ये पूरी टीम, इस टीम की एक जो सबसे अच्छी बात लगी, मुंडे जी ने जो कुछ किया है उसको कुछ कहा नहीं जा सकता। आपके टीवी स्क्रीन पर ये छोटे छोटे बच्चे दिख रहे हैं जो डोसा जैसी चीज को बेहतर तरीके से बना रहे हैं। आपने देखा अपनी टीवी स्क्रीन पर एक शानदार तरीके से डोसा बनाया, इन बच्चों ने डोसा बनाना सीखा, अब ये अपने घर में जाके डोसा बना सकते हैं। बड़े होने पर अगर अपना ये व्यवसाय करना चाहेंगे तो उसमें भी इनको कोई दिक्कत नहीं। साउथ इंडियन डिश को कहीं भी बनाया जाए, खाने में उसका एक अपना अलग स्वाद है, उसको हम जा रहे हैं अब टेस्ट करें।